टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट करंट कैरियंग कंडक्टर्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्स ऑन ऑन अ करियन कंडक्टर प्लेस्ड इन ई मैग्नेटिक फील्ड इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है वो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में एक हॉर्स टू है और उसके बाजू में हमने एक कोई भी कंडक्टिंग मटीरियल रखा है कनेक्टेड टू दैट कंडिंग मटीरियल वी हैव अ सर्किट इस सर्किट में करेंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द बैटरी नाउ वैन वी स्टार्ट दिस बैटरी द करंट फ्लोज इन दी सर्किट लाइक दिस कंडक्टिंग मटीरियल आया और उसमें से करेंट कुछ ऐसे फ्लो हो गया इन दिस डायरेक्शन वेन वी स्टार्ट द करेंट वी ऑब्जर्व वन थिंग वो क्या कि ये कंडक्टिंग मटीरियल जो स्टेशनरी हमने रखा था उसने एक डिस्प्लेसमेंट दिखाया टूवर्ड्स दी बैक साइड मतलब अगर हम इस एंगल से उसको देखें दिस इज द साउथ एंड द नॉर्थ पोल तो ये कंडक्टिंग मटेरियल के ये वाले एंड ने कैसा डिस्प्लेसमेंट दिखाया इट डिस्प्लेस टूवर्ड्स द राइट साइड अब ऐसा क्यों हुआ वाई इज दिस हैपनिंग दैट इट इज़ डिस्प्लेसिंग बिकॉज देर इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द हॉर्स टू मैग्नेट एंड टू एक्सप्लेन दिस वी हैव अ वेरी गुड लॉ विच इज कॉल्ड द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अब ये लॉ क्या कहता है हमारा अगर हमारे पास में जो हमारा लेफ्ट हैंड है इफ़ यू प्लेस इट समथिंग लाइक दिस

दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ करेंट देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन दी कंडक्टर विल भी गिवन बाई द डायरेक्शन ऑफ थम चलो अब वापस वही एक्सपेरिमेंट में इसको लगा के देखते हैं हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो डायरेक्शन कुछ हमारी ऐसे हो गई वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू वॉट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट

जो हमारा कंडक्टर है वो उस पर फोर्स ऐसे लगेगा एंड इट इज़ शोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस साइड सो हेंस तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसा लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं इसको इस साइड से देखूँ मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस साइड थी वे वॉज द करेंट गोइंग टूवर्ड्स द बैक साइड सो वे वॉज द डिस्प्लेसमेंट टूअर्ड्स द राइट साइड सो दिस वॉज द लॉ ऑफ फ्लमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल